पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी सरकार ने 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की है। इसके बाद से 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगे फिर से सुर्खियों में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस एमपी सक्सेना ने 20 नवंबर 1983 को ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन 43 साल में किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि आजाद भारत के सबसे लंबे दंगों में शुमार होने वाले 1980 के मुरादाबाद दंगे में 83 लोगों की जान गई थी, 112 लोग घायल हुए थे, लेकिन यह आंकड़ा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तैयार हुआ। इसके इधर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दंगे के दिन 13 अगस्त 1980 को अपने घरों से निकले थे, लेकिन ना तो कभी उनकी लाशें मिली और ना ही 43 साल बीतने के बाद भी वो घर लौटे हैं। उस वक्त शहर के मंडी चौक मोहल्ले में रहने वाले विजय अग्रवाल घर से कुछ सामान खरीदने निकले थे। विजय अग्रवाल के बेटे संजय अग्रवाल का कहना है कि 43 साल बाद भी ना तो उनके पिता घर लौटे हैं और ना ही कभी उनकी लाश मिली। तो वहीं विजय अग्रवाल की पत्नी रमा अग्रवाल भी कहती है कि आज तक उनके आने का इंतजार है। घर से बच्चों के लिए सामान खरीदने गए थे और बस फिर वापस नहीं आए। उस दिन को जब याद करती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव में वो जो घुसाया था, कहते हैं सुअर घुसाया था तो दंगा हो गया था, उसके 3 महीने तक यही लगातार चलता रहा। कभी मुसलमानों ने हिंदू को मारा, हिंदुओं ने तो बहुत ही कम मारा, मुसलमानों ने ज़्यादा मारा। परिवार में आपके बच्चे थे? भाई यही छोटे छोटे जिसके फोटो हैं, एक लड़का 10 साल का था, बड़ा वाला छोटा वाला 7 साल का था। कैसे फिर आपने उनका लालन पालन किया जब आपको? हमारे भाई ले गए थे, हम अपने साथ ले गए थे, उन्होंने रखा। कभी मन में नहीं आता कि जिन्होंने मारा या जिन्होंने ऐसा किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए? कभी ऐसा ऊपर वाला है कभी मन में आया कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए? हमने सब भगवान को छोड़ दिया। अब इतने दिनों बाद सरकार ने ये रिपोर्ट पेश की है और अब कहीं उम्मीद है कि जिन्होंने ये किया उनको सजा मिल सकती है, कैसा क्या कहेंगे सरकार के लिए? कि अब क्या बता, जिन्होंने मारा वो है भी नहीं है। अच्छा, तब से और अब तक अब आपने बच्चों का लालन पालन किया, परिवार को पाला, क्या क्या करता है? 15-16 साल तक तो हमारे भाई ने रखा हमें, उसके बाद हमारे बच्चों ने छोट मेहनत कर दी। बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो परिवार के परिवार उजड़ गए होंगे। क्या सुनने में आता था उसको? घर पर उस दिन कोई खास दिन था, किसी का बर्थडे था, क्या था? इसका जन्मदिन था। 1980 की वो तस्वीर तो बहुत ही भयानक थी और वो अब तो बहुत टाइम से भाई, जब वक्त गुजरता है तो आदमी धीरे धीरे जख्म धुल जाते हैं, लेकिन जब जब भी उस जैसे जब भी किसी बात का जिक्र आता है तो वो टीस जो है वो जाती नहीं है। आपने किसी अपने को खोया था? अपने को नहीं था, मैंने अपने बाप को खोया था, अपनी छत को खोया था, अपने वजूद को खोया था, सब कुछ खो दिया। बस ये समझिए कि जब खोया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। बस कोई फंक्शन नहीं था, कर्फ्यू लगा हुआ था, 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी, तो घर का कुछ अब जैसे मेरा जन्मदिन था उनका था, तो घर से 10 कदम के लिए कह के गए थे कि मैं भी आधे घंटे में आ रहा हूँ। अचानक कर्फ्यू बंद हो गया, सायरन बजने लगे, अचानक कर्फ्यू बंद हो गया, तो हमने सोचा मोहल्ले में ही या कहीं बाहर ही होंगे क्योंकि हम मंडी चौक के रहने वाले हैं, वहाँ सब अपने से, तो पापा थोड़ी सी कहीं को दूर हो में होंगे, अचानक वो वहाँ से नहीं आ सके। हम यही सोचते रहे कि आ जाएंगे कि यही, रात बीत गई वो नहीं लौटे। सुबह को हम अपने घर पे
अकेला था मैं अपने घर पे, मैं अपनी मदर के साथ, और कोई नहीं था हमारे घर में। तो हमारे पड़ोसियों के साथ मैं अपने मामा जी के घर गया, वहाँ से वो लोग, तब उन्हें पता लगा कैसे कैसे गई। तो हम जानते हैं कि मैं उस समय 10 साल की उम्र थी, मेरे पड़ोसी अंकल थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो मुझे लेके गए बेचारे नालियों में से निकाल के लेकर गए। और मामा के घर पहुँचने के बाद उन्होंने, जब हमने वहाँ पर बताया तो हमारे मामा वगैरह सब बावले से हो गए, क्योंकि माहौल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था, ख़राब नहीं था बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उसके बाद हमें फिर कुछ नहीं मिला, हमें लाश भी नहीं मिली, मतलब देखने तक को नहीं मिले वो। क्या लगता है आपको सर, दोषियों की जहाँ तक बात करनी है तो वो कहना तो उचित नहीं है कि उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि 43 साल हो गए हैं मेरी खुद की उम्र, एक 10 साल का बच्चा जब एक 52 साल 50 साल का आदमी हो सकता है, तो हाउ कैन दे पॉसिबल कि वो लोग अभी होंगे। ये तो एक उसकी बात है कि वो उनको सज़ा मिलेगी, सज़ा तो उनको कुछ करना है सरकार को तो उनको करे ना, जिनके साथ में हुआ है वो, जो सज़ा वो उस सज़ा को देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सज़ा तो वो अगर कुछ करना है तो उन लोगों के लिए करे जो उस सज़ा जो उस मार को झेले हैं, जिनके परिवार आज तक उभर के नहीं आए। हम ही थे, अच्छा खासा हमारा परिवार था, सब था। आज क्या करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं, हम दोनों ही भाई, दो भाई हैं, दोनों ही भाई प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं। और आज प्राइवेट सेक्टर की जॉब करना आसान नहीं है, क्या मिलता है इस महंगाई के दौर में, जहाँ सब जहाँ जहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी की शिकायत नहीं करूँगा, जहाँ लोग ये कहते हैं साहब यहाँ पर इतना हो गया, हमने इतना कर दिया, लेकिन जो परिवार पालता है उसे पता है कि उसके साथ क्या है। 20 या 25 हज़ार रुपये से घर नहीं चला करता। अगर सरकार एक आम आदमी की तरफ की बात सुनेगी और देखेगी, और भाई एक छोटी सी बात है कि अगर मैं उस बात को कहूँगा तो एक पर्चे पे लिख के दूंगा, तो क्या वो बात कि उन पैसों से वो घर पाले जा सकते हैं। जहाँ आजकल की कहना बहुत आसान है कि आज स्कूल ये हैं वो हैं, ये इतनी सुविधाएँ कुछ नहीं है, कागजों में सब कुछ है लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। नहीं, अब जैसे सरकार ये कह रही है कि क्योंकि एक दोषी मान रहे थे कि नहीं हिंदुओं की वजह से ये झगड़ा हुआ, अब कम से कम कि क्लियर तो हो सके कि आखिरकार असली सर। दंगे की कभी कोई वजह नहीं होती, दंगा करने वाले कुछ और होते हैं, करवाने वाले कुछ और होते हैं, इसकी कोई वजह नहीं होती दंगे में। तो असली बात तो ये होनी चाहिए कि जो उस समय उस दंगे में पीड़ित हुए उनके लिए सरकार क्या कर सकती है। लेकिन 43 साल में पहली बार किसी को हाँ, ये एक बहुत बड़ा वो काम किया है योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इतने साल बाद कम से कम सोचा तो सही। अब तक तो किसी सरकार ने सोचा ही नहीं कि कौन पीड़ित, कैसे पीड़ित, कहाँ थे। एक बार बताइए, ये मैंने अभी आपको एक वो दिखाया था डीएम साहब का, एक परिवार को 5,000 रुपये मुआवजा दे दिया गया, क्या उस 5,000 रुपये से परिवार पाला जा सकता है। मैं कहता हूँ उस जमाने में 5,000 दिया था, क्या उस 5,000 से उस परिवार को पाला जा सकता था। घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं, काम करने वाला नहीं, मैं खुद 10 साल का, मेरा छोटा भाई 6 साल का, तो उस परिवार को कैसे पाला जाता, 5,000 रुपये से पल जाता। उसके बाद उस समय कांग्रेस सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो क्या वो 5,000 रुपये देने के बाद वो सब लोग मुक्त हो गए। उन्होंने ये सोचा हमने तो इतना दे दिया कि अब ये परिवार पल जाएंगे। फिर उसके बाद किसी भी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा। ये पहली बार 43 साल में पहली बार हुआ है जब योगी जी ने ये बात सोची है कि हाँ कुछ हुआ था और उसमें कुछ लोग पीड़ित हुए होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही कहानी गल शहीद चौराहा निवासी फहीम हुसैन और उनके चाचा जुम्मा हुसैन की है। चाचा भतीजे दोनों बताते हैं कि 13 अगस्त 1980 को पुलिस वाले उनके घर से उनके दादा अनवार हुसैन, पिता सज्जाद हुसैन, चाचा कैसर हुसैन और नौकर अब्दुल बिहारी को ले गए थे। इसके बाद ना तो कभी उनकी डेड बॉडी मिली और ना ही वो कभी लौट कर घर आए। शहर में ऐसे ही तमाम और भी कहानियां हैं। मिसिंग लोगों की ये तादाद बताती है कि मुरादाबाद दंगे में मरने वालों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों से काफी ज्यादा थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहीम हुसैन। माहौल ऐसा है कि यूपी गवर्नमेंट ने विधानसभा में 1980 की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, क्या कहेंगे आपसे जानना? अरे साहब, इसके लिए तो वेलकम, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीदें हैं अब आपको? नहीं, जब सार्वजनिक करने का इन्होंने बनाया तो कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा इसके लिए।
उनका कहना यह है कि जो दोषी है वो अब सामने आ पाएंगे। हाँ, सच्चाई बिल्कुल सामने आनी चाहिए। जो हमें हुई थी और आप कहाँ थे उस समय? मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था, मैं भी अपने वालिद साहब के साथ दादा के साथ नमाज पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ से हमारे वालिद और हमारे दादा जल्दी आ गए और उन्होंने सब लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया क्योंकि हालात ही ऐसे हो रहे थे उस वक्त। क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद तो वो हुआ जो हम जब तक जिंदगी है याद रखेंगे, हमारी बर्बादी हुई उसके बाद। तो कितने परिवार के मेंबर? मेरे परिवार के 4 मेंबर थे। अब जिस परिवार के 4 मेंबर होते हैं तो उसके तो अच्छा उस वक्त की सरकार भी रही, कभी किसी तरीके का सपोर्ट रहा है? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। इंदिरा गांधी आपके? हाँ, इंदिरा गांधी आई थी हमारे वहाँ, वो देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। आज तक मेरे दिमाग में उनका फोकस रहता। कभी किसी तरह का कोई सपोर्ट? कोई कुछ सपोर्ट नहीं। जो खोया कभी उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कभी किसी ने उस मरहम को? अरे साहब, मरहम तो बहुत दूर की बात, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मरहम तो लग रहा है कि ये योगी सरकार, अब तो हम सोचने पर मजबूर हैं, काश अगर उस वक्त ऐसी सरकार होती तो शायद ऐसा दंगा सन 1980 में नहीं होता। हम तो ये भी सोचने पर मजबूर है कि यार, माना कि आज के तारीख में हाई टेक्निक है, बहुत सहूलतें हैं, आज भी जो परिवार के लोग कभी उनको देख पाए उसके बाद में क्या किसी ने बताया है या कुछ? हर जगह कोई जगह हमारे परिवार के जो हमारे बड़े हुआ करते थे, कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कहीं भी किसी जगह भी अगर किसी ने बता दिया, आज भी हमें उम्मीदें लगी रहती है, अगर कोई बता देता है 20 साल के बाद वो आदमी आ रहा, तो हम फौरन पहुंच जाते हैं उसके वहाँ कि यार हो सकता कोई इससे कोई हमारा, अब कोई कहता हम सान के 30 साल में आया है, आज भी उम्मीद है। अपने फादर के साथ था, वहाँ झगड़ा होने लगा ईदगाह पर, तो हमारे फादर सब हम लोग घर पे आ गए, हमारे भाई थे सब घर पर आ गए, घर पर आनकर बैठे थे, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, तब हम लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया, तो वो जो बड़े बड़े घर के लोग थे वो उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। मेरी वालदा ने पता किया कि आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इन्हें इंक्वायरी के लिए लेकर जा रहे हैं, इंक्वायरी होगी तो उन्हें छोड़ देंगे। मेरे फादर हाजी अनवार हुसैन थे, और मेरे भाई सज्जार हुसैन, और मेरे भाई कैसर हुसैन, और एक मेरे घर के सर्वेंट थे अब्दुल सलाम। इन चारों लोगों को, जो वयस्क लोग थे, इन लोगों को लेकर चली गई, और उसके बाद आज तक उनका पता नहीं। बात है, हम लोगों ने उस वक्त सरकार से कहा भी कि हमें अगर हमारे आदमी नहीं ले सकते तो हमें कम से कम कुछ उनका मुआवजा ही दिया जाए, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं थोड़ा सारा, मगर आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया गया, हमारा तो इन लोगों ने बचपन ही ख़राब कर दिया। उम्मीदें हैं अब रिपोर्ट अगर उम्मीद तो पूरी है, अगर अब अगर हाईलाइट हो रहे हैं हम लोग, दिखाया जा रहा है हम लोगों को, तो कम से कम हमारी परेशानी जो हम लोग उस वक्त परेशानियाँ उठाई हैं उसका कुछ तो मिले। हमारे फादर बेशकीमती जाने थी, मंदिर क्या खूनी मंदिर हो रहा था एक तरीके का, अगर सब तमाम लाशें, दुकानें जली हुई, अजीब सा माहौल बना रखा था। इतनी छोटी सी उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं उस वक्त नियर अबाउट 7 ईयर का रहा हूँगा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।